गोरखपुर शहर में अगर विकास की बात करें, लगातार विकास हो रही है और जाम की समस्याओं को निजात देने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर में एक सबसे बड़ी समस्या बरगदवा चौराहे से फर्टिलाइजर की तरफ रोड जाने पुल के निर्माण के कारण अब लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। पुल का निर्माण लमसम 70 से 75% हो चुका है। अब यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को कहा गया है कि 25 मीटर बढ़ के चौड़ीकरण किया जाए, 2 लेन से 4 लेन किया जाए, लेकिन अब स्थिति इन लोग की ऐसी है कि जाए तो जाए कहाँ जाए, और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ के व्यापारी गुहार लगा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं सर क्या वजह है, क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं? सर वजह ये है कि हम लोग 2 साल से पीड़ित हैं, बार बार सेतु निगम PWD के अधिकारियों द्वारा धमका के रजिस्ट्री पेपर मांगा जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। हम लोगों ने कमिश्नर के यहाँ, DM के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, SLO गौंड साहब जो PCS अधिकारी हैं जो देख रहे हैं इस मामले को, उनके पास लगभग 5-7 बार जा चुके, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्र के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्री के माध्यम से हम लोग पत्र दिया। हमारा कहना ये है कि हम लोग 25 वर्षों से यहाँ दुकान किए हुए हैं और रोजी रोटी उसी से चल रही है। कोई 60 वर्ष का है, कोई 75 वर्ष का है, कोई 50 साल का है, तो हम लोगों की जीविका कैसे चलेगी, सब उसी पर आधारित है। तो हमारी मांग ये है कि 18 मीटर चौड़ी सड़क है, उसमें ये बना लें, कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन उसका मुआवजा जो है GDA के रेट से दिया जाए। दूसरी चीज़ कि हम लोगों को जब भी जाते हैं तो कहते हैं हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले DM साहब के पास मिला था, उन्होंने कहा कि शाम को हम लोग बैठक कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई करके आप लोगों को बुलाया जाएगा, नहीं सुनवाई हुई, ये हो रहा है। अच्छा, अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप गोरखपुर के ही हैं और वर्तमान आपके विधायक भी हैं, ऐसे में कभी समस्या लेकर उनके पास गए? जी नहीं, मौके नहीं मिलता उनके पास, अधिकार पुलिस प्रशासन जाने ही नहीं देता है। जनता दरबार भी लगता है, जनता दरबार में हम लोग 30 लोग 60 लोग गए हैं, 2-3 बार गए हैं। खुद उन्होंने हमसे कहा, मैं खुद गया था, कि एक लाइन आपने ये लिख दीजिए कि पुनर्वास की भी व्यवस्था हो और उचित मुआवजा दिया जाए। DM साहब को निर्देशित किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो CM योगी से क्या कहना चाहते हैं? CM योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि वो सबका भला करते हैं और कहते हैं कि कोई बिना छत का नहीं रहेगा, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो उस हालत में वो 18 मीटर में सड़क बनावें और हम लोगों को जीविका चलने दें। और भी लोग हैं मुझसे जानते हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़े की। अच्छा, अगर जैसे चौड़ीकरण हो रहा, क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? दिक्कत यह है कि 25 साल पहले एक ही दुकान छोटा छोटा करके GDA ने इलाज किया, हम लोग छोटा था, 12x15 फीट है, उसको लेकर कर रहे हैं। आज समस्या यह है कि वह उसमें 4 मीटर तोड़ रहे हैं, 15 फीट में 4 मीटर निकाल दीजिए, 13 फीट निकल जा रहा है, 2 फीट बचेगा, 15-2 फीट उसमें हम क्या करेंगे और इस समय हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो उम्र भी नहीं है कि अब भैया 68 साल, अब इस समय हम कहाँ दुकान जमीन लेके कहाँ बनवा के कहाँ रहेंगे, कहाँ कुछ कमाएंगे? CM योगी से क्या कहना चाहेंगे? उनके आपके विधायक हैं, विधायक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग खुशी होती है, वो तो PM बन जाए वो भी खुशी है, लेकिन हम लोग की वो समस्या सुने और थोड़ा सा मानवतावादी दृष्टिकोण में अपना करके कि हम लोग समस्या देखें। देखिए, कहीं ना कहीं लोग अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए आज News24 पर कह रहे हैं और भी लोगों से। सर, अगर आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है, किन कारणों से? सर, हम हमारी दुकानों को बचाया जाए, उसी से रोजी रोटी चलती है, इसके बाद मेरी पूरी दुकान खत्म हो जाएगी। तो अभी किसी अधिकारी से मुलाकात? हम लोग DM साहब से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री कमिश्नर साहब से मिले हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अभी आप CM से योगी से क्या कहना चाहेंगे? अभी कहना चाहेंगे हम लोगों को पूरा बचाया जाए और 18 मीटर में ही रोड बनाया जाए। और भी लोगों से? सर, अगर बात करें, आप लोग विरोध आज कर रहे हैं, आपकी अगर बात करें उम्र क्या होगी? हमारी उम्र 54 साल है। अच्छा, 54 साल की उम्र में क्या लगता है, अगर दुकान पर कार्रवाई होगी तो कहीं आप दुकान सड़क पर आ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे, बिल्कुल। ऐसे में 80% दुकान जा रही है, तो हम 20% में क्या दुकान करेंगे? और इस उम्र में हम कहीं और जाके नए तरीके से कैसे इस्टेब्लिश हो पाएंगे? जो चीज़ हम 25 साल से यहाँ कर रहे हैं, नए तरीके से हम कहीं जाके कहाँ शुरू करेंगे, क्या करेंगे? 10 साल तक हमको इस्टेब्लिश होने में लग जाएगा, फिर हमारी उम्र ही क्या बचेगी? अच्छा, आपके विधायक भी योगी जी हैं, मुख्यमंत्री भी जी, इसीलिए हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि विधायक हमारे मोदी योगी जी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, हमें पूरा उम्मीद है, बहुत न्यायप्रिय हैं वो, और हम लोग समस्याएं सुनेंगे, हम लोग समाधान वो करेंगे, केवल उन तक बात हमारी पहुँच नहीं पा रही है, यही हम लोग का कष्ट है और हम लोग आपके माध्यम से उन तक हम लोग बात पहुँचाना चाहते हैं।
देखिए व्यापारी लोग हैं, इनकी साफ साफ समस्याएं हैं कि जिस तरह कार्रवाई हो रही हो चोरीकरण, लेकिन उतनी हो कि इनकी दुकानें ना जाएं। अजीत सिंह, न्यूज 24, गोरखपुर।